बहुत घुर है। जो बहन की शादी कराएगा मुझसे, मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है। तो मुझे पैसा दे, मैं इसे भी ठोक दूंगा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पैसों के ये नियम आपको मालामाल बना देंगे। अगर पैसा पाना है तो इन नियमों को अपने जीवन में उतार लीजिए, फिर देखिए आप कैसे धनवान बनेंगे। दोस्तों ये बात तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज के नियम कायदे कानून होते हैं, और अगर उसी पर चला जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। और ठीक ऐसे ही पैसों के बारे में भी है। दुनिया पैसा कमाना जितना कठिन समझती है, ये उतना ही आसान है। बस आपको इसके नियम फॉलो करना बहुत जरूरी है, पर बहुत से लोग उन नियमों को नहीं मानते। उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पैसों के ऐसे 7 रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। सही में कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मनी देन सेविंग। दोस्तों आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि पैसों को बचा कर रखो, आगे चलकर काम आएंगे। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि पैसों को बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे कमाना, क्योंकि पैसे बचाकर कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस करेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब लोग थोड़े थोड़े पैसे बचाकर खुश होते हैं उन्हें लाइफ में एक ऐसा बड़ा झटका लगता है कि अंत में उनके पास कुछ ही नहीं बचता। लेकिन जो लोग ज्यादा पैसे कम करके अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, उनकी लाइफ में चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना जाए, उन्हें विश्वास होता है कि वो कभी गरीब नहीं होंगे, बल्कि पैसों को आज नहीं तो कल दोबारा कमाकर अपनी लाइफ सेट कर लेंगे। इसलिए अपना फोकस मंथली इनकम को बढ़ाने में करिए कि अभी महीने का 50,000 कमाते हैं तो 1,00,000 कैसे कमा सकते हैं, या फिर 2,00,000 कैसे कमा सकते हैं, और ये किस तरह होगा ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। रूल नंबर 2, पुट द मनी ऑन राइट थिंग्स। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है, क्योंकि अमीर लोग पहले पैसा कमा लेते हैं और फिर उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाते हैं। और ये काम होता है पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने से, क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं वो कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को फालतू चीजों में खर्च नहीं करते कि नया फोन ले लिया, नई घड़ी ले लो, नए कपड़े ले लो। वो हमेशा सोचते हैं इन पैसों को अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले टाइम में कितना पैसा आएगा, और जो पैसा फ्यूचर में आएगा उसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकता हूँ। यानी अमीर लोगों का फंडा सिंपल सा है कि अगर उनके हाथ में पैसा है तो वो उस पैसे को और ज्यादा बढ़ाने की सोचते हैं, जबकि गरीब लोग पैसा देखते ही उसे खर्च करने के बारे में सोच लेते हैं, और ये चीज उन्हें कभी अमीर बनने ही नहीं देती। रूल नंबर 3, लर्न टू अट्रैक्ट मनी। दोस्तों आपको खुद को गरीब भिखारी और लाचार इंसान नहीं बनाना है, बल्कि खुद को इतना वैल्यूएबल इंसान बनाना है कि पैसा आपके पास चल कर आए। आपके लिए पैसा ठीक वैसा ही हो जैसे मंदिर में रखा प्रसाद होता है, जो भगवान के पास खुद ब खुद चल कर आता है। दोस्तों पैसे 3 तरीके से कमाए जा सकते हैं, पहले अपने टाइम को बेचकर, दूसरा अपने स्किल्स को बेचकर, और तीसरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। अगर आप पहले कैटेगरी में आते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, और अगर आप टाइम के हिसाब से पैसा कमाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप स्किल्स के भरोसे पैसा कमाते हैं तो आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं, यानी कि आपका आइडिया $1,000,000 का होता है, आप अपने एक आइडिया से दुनिया बदलने का हुनर रखते हैं, तो पैसा आपके पास खुद जल कर आएगा। और आपको इसी तरह का माइंडसेट रखना भी होगा ताकि आप मनी मैग्नेट बन सके और पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ मनी। दोस्तों आप सोचिए, अगर कोई गरीब इंसान जिंदगी भर पैसों की कमी के साथ पला बड़ा है, उसके पास अगर पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, उस पैसे को लेकर डरेगा कि अगर ये पैसा मेरे हाथ से निकल जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं दोबारा गरीब बन जाऊंगा। जबकि कोई अमीर इंसान जिसने पूरी लाइफ पैसे को समझा है, पैसे की एनर्जी को महसूस किया है, उसे पता है कि पैसा कहां से बनता है। अगर ऐसे इंसान से उसका सारा पैसा ले लिया जाए तो वो रोएगा नहीं, बल्कि कुछ ही महीनों में दोबारा अमीर बनकर अपनी लाइफ वापस से जीने लगेगा, क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि पैसा कहां से आता है। और आपको भी यही समझना है, जिसके लिए आपको देखना होगा कि जो लोग आसानी से पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो किस तरह पैसों के साथ व्यवहार करते हैं। अगर आप भी पैसों के साथ इस तरह व्यवहार करने लग जाएंगे ना, तो पैसा आपसे अलग रह नहीं सकता। रूल नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम लोन।
दोस्तों हमारी सोसाइटी का नियम ही बन गया है कि अगर पड़ोसी ने कोई चीज की है तो हमें भी करनी है, फिर चाहे उसके लिए आपके पास पैसे हो या ना हो। अगर पैसे नहीं होते तो कर्ज लेकर कार खरीदनी है, घर खरीदना है, ताकि सोसाइटी में अपना रुतबा बना सकें, और इस रुतबे को बनाए रखने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई को ईएमआई में दे देते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये गलती कभी नहीं करनी। अपने पैसे से फालतू स्टेटस सिंबल बढ़ाने वाली चीज खरीदने की बजाय इन्वेस्ट करना है, और कभी भी कर्ज लेने की आदत नहीं डालनी जब तक आपके पास किसी चीज को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे न हो जाए, तब तक आप उस चीज को ना खरीदें। रूल नंबर 6, चेंज योर थिंकिंग। दोस्तों अमीर बनने का बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा बुरे लोग कमाते हैं, पैसा खराब होता है, पैसा लड़ाई करवाता है, तो यकीन मानिए आपके पास पैसा आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे से बढ़िया कोई चीज ही नहीं होती, आप जितना पैसा कमाएंगे आप उतने लोगों की मदद कर सकेंगे, आप उतनी अच्छी लाइफ जी सकेंगे, तो यकीन मानिए पैसा आपके पास खुद चला हुआ आएगा। बस आपको पैसे को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और बड़ा सोचना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और ये मान लेना अगर आप ये काम करेंगे तो वो जरूर सफल होगा और आप खूब पैसा कमाएंगे। रूल नंबर 7, ट्रैक योर मनी। दोस्तों पैसे का सबसे आखिरी और जरूरी नियम है पैसों की ट्रैकिंग करना, क्योंकि आप अमीर हो या गरीब, अगर आपको पता नहीं कि आपके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं तो एक दिन आप जरूर गरीब बन जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो चीज आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर रही है उसके ऊपर पैसे खर्च करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिसका आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर पैसे खर्च करना फिजूल खर्ची है, और ये तभी पता चलेगा जब आप पैसे को ट्रैक करेंगे। इसलिए अपने पैसों को ट्रैक करना और उसे सही से मैनेज करना ही आपको अमीर बना सकता है। बाकी आप पैसों के इन सभी नियमों में से किस नियम को फॉलो करते हैं कमेंट में बताइए ना। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।